क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना कुमारी है। किस क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास में। किस स्कूल में? स्कूल का नाम क्या है? राजकीय प्राथमिक मकतब आ गया। क्या नाम है आपका? अदित कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। देखिए आज जो है क्लास 2 और 5 के बच्चे में जो है कंपटीशन है मैथ के क्वेश्चन को लेके। आगे देखते हैं हम। देखिए आपके सामने क्लास 2 और क्लास 5 के दो बच्चे हैं, इन दोनों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, दोनों सेम क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें से कौन सही बनाता है। बनाइए। कितना है आंसर? 14/15। सामने आओ। सही है। चलो तुम बताओ कैसे बनाई हो, समझाओ। 4/6 / 4/6 = 12 = 12 + 2 = 14 = 14 नीचे तो नीचे और ये भाग है तो पलटेंगे तो ये चार भाग को क्या करेंगे? पलटेंगे तो गुना आ जाएगा, तो गुना लिखे हैं और चार ऊपर चल जाएगा, 4 × 2 = 8 + 8 = 9 = 10 तो 10 लिखा है और गुना कर दिए, गुना करके कटा दिए। अब भाग को पलटते हैं जब गुना में तो संख्या पलट जाता है कि नहीं? पलट जाता है। तुम समझाओ। 4/6 / 4/6 = 4 × 12 = 14 = 14 × 4 = 4 भाग को बदलेगा गुना में, गुना का मतलब पलट जा, भाग से गुना में होता है तो पलट जाता संख्या। 4 × 2 = 8 = 10 10 नीचे जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? भाग का मतलब होता है पलट जाता है। पलट जाता है इसलिए उसके बाद कटा देते हैं। कैसे कटाया गया? जिसके पारों में दोनों ऐसे पारों में खोदना चाहिए जो एक ही के पारों में आए उसे कटा देना चाहिए। जब तक कटे तब तक कटा देना चाहिए। कैसे कटाया? 4 से 4 खत्म कर दिया है। दो के पारों में 3 बार में आता है, 14 = 7 बार में आता है। हाँ? अरे 4 2 बार में आता है, 2 के पारों में 10, 2 के पारों में 5 बार में आता है। अब कोई किसी के पारों में नहीं आता है इसलिए गुना कर दिया, नीचे नीचे गुना कर दिया तो 15 आया, ऊपर ऊपर गुना कर दिया तो 14 आया। ठीक।